सुनाई दे रही है, लेकिन ये दिल की घंटी नहीं, मोबाइल की घंटी है। इंटरप्शन, ये तो बार बार इंटरप्शन रे। अबे गधे, फोन क्यों उठाता? देख तो मेरे को बहुत डिस्टर्ब करता, तू खाली फोन रख रहा है। ओह नो, आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं कुट्टी, मैं ये साफ करके आती हूँ। आना राजू, डेविल, तेरे को क्या प्रॉब्लम रे? तू भीतर से प्यार करता, मैं तेरे को डिस्टर्ब किया? कहीं भी दिखाई दे, तू मेरे काले पेपर से दूर रहे और तुरंत पुलिस को सूचित करें। बोलने का बोल मेरे को। हमारे फोन नंबर्स हैं 333। कुट्टी, तेरे को बोला था ना घर के बाहर ही निकलने को, तू क्यों बाहर निकला? क्यों नहीं निकलने का? मैं किससे डरता क्या रे? ये सिटी में कर्फ्यू लगा रे। कर्फ्यू समझ ले, पूरी पुलिस फोर्स मुझे ढूंढती फिर रही है। पूरा पुलिस फोर्स मेरे को ढूंढ रहा है। कहीं के लिए? वो तुझे पकड़ना चाहती है, गिरफ्तार करना चाहती है। ओ मेरे को गिरफ्तार करने के लिए? मेरे क्या भाई, बैठो रे। आपस की बात है, काहे को मेरे गिरफ्तार करेंगे? हाथ लगा के देखने दे, मेरे धज्जे उड़ा देंगे। मई क्या, मैं किसी का खून किया रे? एक नहीं गधे, दो दो खून। यार के मैं एकदम खतरनाक किलर है। तो पुलिस के पास मेरा कोई सबूत भी होएंगे ना? हाँ है ना, एक चश्मदीद गवाह, आई विटनेस। आई विटनेस है? अच्छा, कौन रहे वो ग्रेट आदमी, कौन रहे? बोल। वो भला आदमी मैं हूँ, मैं। तूने मेरे को देखा मर्डर करने के टाइम पे? क्या जोक करते रहे तू? कुट्टी कुट्टी, मैं जोक नहीं मार रहा मेरे दोस्त, मैं सच कह रहा हूँ। एक सच तू भी सुन रहे, अभी जल्दी फोन रख देने तो मैं तेरा भी खून कर डालेगा। रख फोन। तो कुट्टी, सारे ने फिर फोन काट दिया। मई मर्डर, मई बहुत बड़ा मर्डर। आपको जरूर कौन सा पिक्चर है? क्योंकि ये इस देश का सबसे खतरनाक सीरियल किलर है। आप हमारे फोन नंबर फिर से नोट करें। हेलो, पुलिस स्टेशन। देखिए गीता जी, मेरा दोस्त बहुत मुसीबत में है और मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता, और आपकी कोई जासाजी नहीं चलेगी, समझ गई ना? ओके ओके राजू, तुम जाओ, बेशक जाओ। थैंक यू। लेकिन जाने से पहले अपनी वर्षा को एक गुड नाइट किस तो दे दीजा। नहीं 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 गीता जी, देखो आप लोग गलत फहमी हो गया, आप लोग डरने के नहीं, मैं कौन नहीं हूँ। देखिए मैं सीधा आदमी हूँ, मेरे एक छोटा होटल है फोर्ट एरिया में। देखो आप लोग मेरे को छोड़ेंगे ना तो ये चाकू भी छोड़ दूंगा मैं, सच्ची बोलता हूँ। चिल्लाने के नहीं, मार दूंगा मैं। मैं नहीं मारेगी तुमको। आप लोग काय को डरा हुआ है, मैं आप लोगों से ज्यादा डरा हुआ। यू आर अंडर अरेस्ट। मैं खून नहीं हूँ सर। चुप। हमारे पास आई विटनेस है जिसने तुझे खून करते हुए देखा है। कौन? राजू। राजू 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 राजू, ये कौन सा बदला लिया तू मेरे से? ए राजू, राजू 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 रुक जाओ, वरना मैं गोली मार दूंगी। रुको, I will shoot you. रुक जाओ, रुको, रुक जाओ। राजू, मेरा इंटरव्यू दिए बगैर तुम कहीं नहीं जाओगे। कल के बाद तुम जियो या मरो, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे भी आपकी कोई परवाह नहीं। गीता जी, ये तो बम था, कोई हम दोनों को उड़ा देना चाहता था। गीता जी, आपका तो खून निकल रहा। गीता जी, इसका मतलब ये लोग तुम्हारा मुंह किसी भी कीमत पर बंद कर देना चाहते हैं।
और अगर तुमने भागने की कोशिश न की होती तो हम दोनों इस बॉम्ब के साथ उड़ गए होते। हेलो। हाँ गीता, मैं गुल मोहम्मद बोल रहा हूँ। गुल मोहम्मद तुम? हाँ गीता, देखो मेरा इस शहर में रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। पहले मेरी एक बात सुन लो गुल मोहम्मद, छोटी सी, क्या हम कहीं मिल सकते हैं? सिर्फ एक बार, मैं अपने भाई के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से डायमंड हार्बर पहुँच जाओ, हो सकता है मेरे पास कुछ ऐसी जानकारी हो जो तुम्हारे भाई तक तुम्हें पहुँचने में मदद करे। सच? गुल मोहम्मद थैंक यू, मैं अभी आई, मेरा इंतजार करो, बाय। आपके भाई के साथ क्या हुआ था गीता जी? क्या करोगे जानकर, तुम यहां से जाना चाहते थे ना राजू? मैं तुम्हारी जान को और खतरे में नहीं डालना चाहती, तुम जा सकते हो। लेकिन अब मैं नहीं जाना चाहता गीता जी, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। रहने दो राजू, आगे और भी खतरा होगा, ये तो नसीब था कि तुम्हारी जान बच गई। देखिए गीता जी, नसीब नहीं हमें मिला और नसीब नहीं हमें बचाया, और ये भी शायद नसीब ही है जो मुझे आपके साथ आने के लिए मजबूर कर रहा है। मुझे आपके साथ आने दीजिए गीता जी। नहीं राजू, नहीं। चलिए गीता जी। राजू, लगता है वो अब तक आया नहीं, लेकिन वो जरूर आएगा, और उसी के जरिए मैं अपने भाई तक पहुंच सकती हूँ। कहाँ है तुम्हारा भाई? वो भी चैनल 2001 के लिए काम करते थे और इसी जाली नोट स्कैम की छानबीन कर रहे थे, लेकिन पिछले 6 महीनों से वो लापता है। हाँ।